जरा सोचो अगर पूरी दुनिया तबाह हो जाए और तुम्हें जमीन के नीचे एक बंकर में रहना पड़े। कुछ ऐसा ही होता है इन लोगों के साथ। कहानी की शुरुआत होती है एक न्यूक्लियर बंकर से, जहां तीन लोगों का एक परिवार पिछले 301 दिनों से छिपा हुआ था। रे और क्लेयर ने अपनी बेटी जोई को बस दो रूल मानने को कहा था। पहला कि वो हमेशा शांत रहेगी और दूसरा कि भूल कर भी उस बंकर से बाहर नहीं जाएगी। बंकर के बाहर पूरी दुनिया एक जानलेवा वायरस के फैलने से बर्बाद हो चुकी थी, जिसके बाद सिर्फ वही बच पाए थे। इस वायरस ने इंसानों को खतरनाक जीवों में बदल दिया था, जिन्हें वो ब्रीदर्स कहते हैं। वो किसी भी इंसान को देखते ही बेरहमी से मार डालते थे। आज से 301 दिन पहले उन्होंने देखा था कि उनके पड़ोसी हड़बड़ी में शहर छोड़कर जा रहे थे। उन्होंने पूछने पर भी कुछ नहीं बताया और जल्दी से निकल गए। पता चला कि एक तेजी से फैलने वाला खतरनाक वायरस उनके शहर किंग्सविल में आ पहुंचा है। इन्फेक्शन के डर से सब लोग अपना घर छोड़कर हाईवे की तरफ भागने लगे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने सबको रोककर उस इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। तभी तो फाइटर जेट्स ने जोरदार बमबारी शुरू कर दी, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। रे जल्दी से अपने परिवार को एक स्कूल की तरफ ले आया और इससे पहले कि उन पर भी बॉम्ब गिरता, वो सब एक अंडरग्राउंड शेल्टर में उतर गए। वर्तमान समय में जोई एक बहुत बुरा सपना देखकर अचानक नींद से जागी। सपने में ब्रीदर्स ने बंकर में घुसकर हमला कर दिया था। उसकी माँ ने उसे विश्वास दिलाया कि वो सब सुरक्षित हैं, क्योंकि उसके पिता बाहर नजर रखने गए हैं। रे ने भी वापस आकर उसे समझाया, लेकिन वो बहुत डरी हुई थी। जोई ने खुद सीढ़ी चढ़कर देखा कि दरवाजा लोहे की मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था। ये देखकर उसे शांति मिली और वो अपने माँ बाप के पास किचन में चली गई। फिर उसने अपनी माँ क्लेयर के साथ रोज की तरह दीवार पर एक और लाइन बनाई, जो दिखाती है कि उन्हें उस बंकर में रहते हुए एक और दिन पूरा हो चुका है। अब उन्हें वहाँ पूरे 302 दिन हो चुके थे। इतना वक्त अकेले रहने से जोई उदास थी, क्योंकि वहाँ उसकी उम्र का दूसरा कोई बच्चा नहीं था। वो इस गुमसुम जगह में रहते रहते थक चुकी थी। इसके बाद वो सब खाना खाने बैठे, लेकिन पता चला कि खाने का डिब्बा एकदम खाली था। असल में वहाँ एक चूहे ने घुसकर उनके बचे खुचे डिब्बे खाली कर दिए थे। उन्होंने हिसाब लगाया कि चूहा एयर डक्ट के जरिए अंदर घुसा होगा। चूहे के बारे में सुनकर जोई सहम गई। जोई इस बात से सहम गई क्योंकि ऐसे तो वो ब्रीदर्स भी अंदर आ सकते हैं, लेकिन रे ने उसे विश्वास दिलाया कि ब्रीदर्स उस डक्ट में फिट नहीं हो पाएंगे। उनका खाना लगभग खत्म हो चुका था, इसलिए उन्होंने मटर के दानों से अपना गुजारा किया। इतने दिनों से बुरी हालत में रहकर जोई परेशान हो चुकी थी। वो शिकायत करने लगी कि उसके माँ बाप ने उसे बंकर में बंद कर रखा है और वो बाहर जाना चाहती है। रे ने अपनी बेटी को शांति से समझाया कि यहाँ रहकर ही वो ब्रीदर्स से बच सकते हैं। उसने चुटकुले सुनाकर जोई को हंसाने की कोशिश की। रात को क्लेयर दूसरे कमरे में जोई का मन बहलाने के लिए उसके साथ लूडो खेलने लगी, लेकिन जोई जल्द ही बोर हो गई। फिर क्लेयर ने उसे एक दूरबीन देकर बाहर की दुनिया को देखने का मौका दिया। उसने देखा कि बाहर बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं था। ये नजारा देखकर वो बच्ची अपनी माँ के साथ ही फिर से लूडो खेलने लगी। खेलते हुए जोई को वही चूहा उनका खाना चुराते दिखा। उन्होंने रे को नींद से जगाया और चूहे को मारने का फैसला किया। काफी पीछा करने के बाद आखिरकार क्लेयर ने चूहे को मार डाला, लेकिन इस बीच चूहे ने एक लैंप गिरा दिया, जिससे उनके कमरे में आग लग गई। क्लेयर ने कपड़े से आग बुझाने की कोशिश की और रे फटाफट पानी की पाइप को खोलने लगा। काफी जद्दोजहद के बाद भी पानी नहीं आ रहा था। आग बढ़ती जा रही थी तो क्लेयर ने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया। आखिरकार पाइप में से पानी निकल आया और वो उस भयंकर आग को बुझाने में कामयाब रहे। लेकिन अब दिक्कत ये थी कि आग का धुआं एयर डक्ट के जरिए ऊपर जमीन की तरफ जा रहा था। उन्हें एहसास हुआ कि ये उड़ता धुआं जरूर ब्रीदर्स की नजर में आ जाएगा, इसलिए उन्होंने फटाफट बाहर जाकर एयर डक्ट को ढकने का फैसला लिया। जोई के माँ बाप ने उसे वहीं रुकने को कहा और खुद बाहर निकल गए। जोई पेरिस्कोप से उन पर नजर रखे हुए थी। तभी उसने एक अजीब परछाई को उनका पीछा करते देखा। उसे लगा ब्रीदर्स ने उसके माता पिता को देख लिया है। जोई ने जोर जोर से चिल्लाकर उन्हें सावधान करने की कोशिश की, लेकिन वो इतना दूर थे कि उन्हें उसकी आवाज सुनाई नहीं थी। वो हड़बड़ी में रूल्स को तोड़कर बंकर से बाहर निकली और जल्दी से अपने माँ बाप की ओर भागी। बाहर उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। वो जोर जोर से अपने माँ बाप का नाम चिल्लाते हुए उन्हें ढूंढने लगी। अचानक से क्लेयर जोई के पीछे आ गई और उसका मुंह बंद कर दिया। जोई ने उन्हें उस परछाई के बारे में बताया। पता चला कि वो असल में कुछ हिरण थे। वो तीनों खतरे से बचने के लिए भागकर अपने बंकर में चले गए। अंदर पहुंचते ही उन्हें ऊपर से ब्रीदर्स के चलने की आहट सुनाई थी। जैसे ही वो पैरों की आवाज उनसे दूर जाने लगी, जोई की डॉल की रस्सी अचानक कहीं अटक कर खिंच गई और उस डॉल में जोर जोर से म्यूजिक बजने लगा।
रे बुरी तरह से डर गया और उसने डॉल की आवाज को बंद करने के लिए उसे पूरी तरह फाड़ डाला। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि प्रीदर्स ने उस गुड़िया की आवाज सुन ली थी। वो जोर जोर से बंकर के दरवाजे की जंजीरों पर वार करने लगे। एक एक करके जंजीरें खुलने लगी थी। ये देख कर रे और क्लेयर सीढ़ी से चढ़कर उन्हें खुलने से रोकने की कोशिश में लग गए। एक पल को दरवाजा खुलने ही वाला था लेकिन उन्होंने किसी तरह उस ब्रीदर को अंदर आने से रोक दिया। उन्होंने सोचा कि खतरा टल गया लेकिन ये उनकी गलत फहमी थी। बाहर से आ रही आवाजें तेज हो गई। वहाँ पर और ब्रीदर्स पहुँच चुके थे। उनके कुछ करने से पहले ही ब्रीदर्स ने लोहे का दरवाजा तोड़ दिया और वो थम से नीचे आकर गिरा। वो तीनों हड़बड़ाहट में दूसरे कमरे की ओर भागे। क्लेयर ने लैंप गिराकर आग लगा दी जिससे वो रास्ता ब्लॉक हो गया। उन्होंने एयर डक्ट के रास्ते से बाहर भागने का फैसला लिया। रे की मदद से क्लेयर उस तंग पाइप से बाहर आ गई। ऊपर जाकर उसने देखा कि खुशकिस्मती से वहाँ कोई ब्रीदर नहीं था। रे ने तुरंत जोई को भी पाइप से बाहर निकाल दिया लेकिन जब उसने खुद बाहर निकलने की कोशिश की तो उस तंग पाइप में वो फिट ही नहीं हुआ। पाइप में फिट होने के चक्कर में रे ने अपने कंधे को भी डिसलोकेट किया लेकिन उसके बाहर निकलने से पहले वो ब्रीदर्स उस तक पहुंच गए और उसे नीचे खींच लिया। क्लेयर और जोई ने एक जोरदार धमाके में खून के छींटे उड़ते देखे। रे को खोने के बाद वो दोनों टूट गई थी। माँ बेटी अपनी जान बचाने के लिए तेजी से खाली कार्स से भरे हाईवे की ओर भागने लगी। तभी आसमान में हेडलाइट्स के साथ एक हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। वो दोनों उससे बचने के लिए दूसरी ओर भागने लगी लेकिन जल्द ही उन्हें एक जाल में कैद कर लिया गया। वो वहां से बच निकलने के लिए छटपटाने लगी। अंधेरे से निकलते ब्रीदर्स ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। पता चला कि असल में ब्रीदर्स कोई मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि अमेरिकन सैनिक थे जिन्होंने प्रोटेक्टिव फेस मास्क पहना था। तभी अचानक हमें पीछे की कहानी दिखाई जाती है। उनके बॉम्ब से बचकर बंकर में आ जाने के बाद क्लेयर ने अपने परिवार को एक चोट दिखाई जो काली पड़ गई थी। इसका मतलब साफ था कि वायरस उसके शरीर में घुस चुका है। ये वायरस बड़ी तेजी से हवा में फैलता था जिसकी वजह से पूरा शहर इसकी चपेट में आ चुका था। वर्तमान समय में सैनिकों ने उन दोनों का ब्लड टेस्ट करने के लिए सिरिंज निकाली। क्लेयर और जोई के खून से पता चला कि वो दोनों इन्फेक्टेड थे। ये देखते ही सैनिक बंदूकें तानकर उन्हें शूट करने के लिए तैयार हो गए लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाते वहाँ खूनी आंखों और काली नाड़ियों वाले एक वैम्पायर जैसे दिखने वाले जीव ने सैनिकों पर हमला बोल दिया। ऐसी सुपर ह्यूमन शक्तियों वाला ये जीव कोई और नहीं बल्कि रे था। उसने कुछ सैनिकों को तो मार गिराया पर बाद में उनकी गोलियों का शिकार हो गया। अब वायरस की असलियत सामने आ रही थी। उनका परिवार ही असल में इन्फेक्टेड था। इतने दिन वो सोचते रहे कि बाहर वाले लोग इन्फेक्टेड हैं जबकि ब्रीदर्स तो नॉर्मल इंसान थे। हमें पता चला कि इन्फेक्टेड लोग भी एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते थे जब तक वो अपना कंट्रोल न खोएं। इसीलिए रे और क्लेयर जोई को हमेशा शांत रहने को कहते थे। बहुत ज्यादा गुस्से या डर की भावनाओं से इन्फेक्टेड लोग अपने दिमाग का कंट्रोल खो बैठते और ताकतवर आदमखोर जीवों में बदल जाते। इसलिए फौज को सभी इन्फेक्टेड लोगों को मार देने के ऑर्डर्स दिए गए थे। रे को मार कर उन्होंने जाल की तरफ देखा लेकिन तब तक क्लेयर और जोई वहां से फरार हो चुके थे। जोई एक गाड़ी में छिपी थी जबकि उसकी माउस वैम्पायर जैसे जीव में बदलने लगी। उसने आसानी से तीन सैनिकों को मार गिराया लेकिन आखिरी बचे सैनिक ने उसे गोली मार दी। वो क्लेयर का काम तमाम करने ही वाला था कि अपनी माँ को मरता देख जोई भी अपना आपा खो बैठी। उसने तेजी से उस सिपाही का मास्क हटाकर उसे भी इन्फेक्टेड कर दिया। जोई तो उसे मारना चाहती थी लेकिन क्लेयर ने उसे रोकते हुए समझाया कि उसके लिए सबसे बड़ी सजा यही होगी कि वो भी ये शापित जिंदगी जिए। आखिरकार वो दोनों रे के पास पहुंचे जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उन्होंने रोते बिलखते एक दूसरे को अलविदा कहा। कुछ पलों बाद उन्हें एक और हेलीकॉप्टर आता दिखाई दिया और वो दोनों तुरंत एक अंडरग्राउंड सुरंग ढूंढ कर उसमें छिप गई। वहां उन्हें अपने पड़ोसी का बेटा सैम मिला जिनको उन्होंने वायरस की शुरुआत में भागते देखा था। सैम उन्हें अंडरग्राउंड सीवर सिस्टम की ओर ले गया जो असल में बाकी बचे इन्फेक्टेड लोगों का ठिकाना था। वो लोग महीनों से वहां छिपे हुए थे। क्लेयर और जोई को आखिरकार अपने जैसे लोग मिल गए और उन्होंने उनके साथ ही रहने का फैसला लिया। अंत में क्लेयर ने अपनी काली खूनी आंखों से सूरज को देखा और टनल का दरवाजा बंद कर दिया। तो अगर तुम्हारे सामने चॉइस आ जाए कि अपनी गर्लफ्रेंड या दोस्त में से किसी एक को बचाकर उसके साथ बंकर में रहना पड़ेगा, किसको चुनोगे कमेंट्स में जरूर बताना।